अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। उत्तराखंड में चुनावी गहमा गहमी के बीच नेताओं के बयान जारी हैं और वोटरों को लुभाने की कवायद के मकसद से रैलियां भी हो रही हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के गंगोली हाट में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते हुए राजनाथ सिंह ने अपनी स्पीच दी। उन्होंने फिल्म पुष्पा का डायलॉग भी बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस का यह हाल है कि उन्होंने अभी तक यहां चुनाव जीतने पर सीएम चेहरा तय नहीं किया है, जबकि बीजेपी पहले दिन से कह रही है कि अगर हम राज्य में अपनी सरकार बनाते हैं तो पुष्कर सिंह धामी हमारे सीएम होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि आजकल फिल्म पुष्पा का नाम काफी चर्चा में है और हमारे सीएम का नाम पुष्कर है, लेकिन यह पुष्कर नाम सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारा पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी। हमारा पुष्कर ना कभी झुकेगा ना कभी रुकेगा। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के संबंध में कहना चाहूंगा कि ना इनकी कोई नीति है, ना इनकी कोई नियत और ना इनका कोई विकास करने का विश्वास है। कांग्रेस ने हमेशा देश और प्रदेश को लूटा है, हम उत्तराखंड को और नहीं झुकने देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा उत्तराखंड को आदर्श और विकसित राज्य बनाना चाहते थे। आज मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी उत्तराखंड को आदर्श और विकसित राज्य बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और जो भी करना होगा हम अवश्य करेंगे। पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा, हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा।